हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आ रखा हूँ नानोल हरियाणा के अंदर और आपको दिखाऊंगा ये मकबरा। गाइस, इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में और उनके दादा का ये मकबरा है। गाइस, उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में नानोल हरियाणा के अंदर। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको पूरा ये व्लॉग और बताते हैं इस मकबरे के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, देखते हैं पूरा मकबरा और बताते हैं इसके बारे में। गाइस, हम पहुंच चुके हैं मकबरे के फ्रंट गेट पे और गाइस, इसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में और ये 1540 से 45 के बीच में बना था और इनके दादा की मृत्यु नानोल हरियाणा में 1518 में हुई थी। और गाइस, इस मकबरे के वास्तुकार थे शेख अहमद नियाम जी, जो कि शेरशाह सूरी के निजी वास्तुकार थे। और गाइस, ये पर्शियन शैली पर आधारित मकबरा है और गाइस, ये पवित्र मकबरा है। दिखाते हैं पूरा मकबरा, बताते हैं इसके बारे में। सो गाइस, हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हॉल जैसा मकबरा है और इसके अंदर आवाज गूंज रही है, यानी आपकी आवाज जाएगी और दीवारों पर टकरा के वापिस आपके पास आएगी। और देखने में बहुत ही बेहतरीन मकबरा है ये और चारों तरफ इसके झरोखे ही झरोखे हैं। ये देखिए आप, मेरे पीछे झरोखे ही झरोखे हैं और इसके सेंटर में, यानी इस जो मकबरा है, मकबरे के सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कब्र है बहुत बड़ी, शायद ये इब्राहिम खान सूरी की कब्र हो। जस्ट उसके पास में एक कब्र है और उसके आगे भी एक कब्र और उसके लास्ट में भी एक कब्र। उनके अंदर आप देख सकते हैं दो बीच में छोटी छोटी कब्रें हो रहे हैं। और गाइस देखिए, ये जो धौलपुर के रेड पत्थर आते हैं इनपे बहुत ही अच्छी शिल्पकारी कर रखी है, ये देखिए आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऊपर, ये यहाँ पे आपको दिखेगा उर्दू और अरबी के, शायद अरबी के अंदर यहाँ पे कुछ कला, कुछ ऐसी चीजें लिख रखी हैं जैसे कोई आयत वगैरह है जो कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। और उनके ऊपर आप देखिए अल्लाह जो अरबी में लिखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, तो आप देख सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर भी जो ये रेड पत्थर है धौलपुर के, इनके ऊपर भी अल्लाह के अल्लाह लिख रखा है, नौ बार लिख रखा है। और ये रेड जो रेड पत्थर आता है धौलपुर का, उस पे ये कलाकारी शिल्पकारी कर रखी है। और गाइस देख सकते हैं मेरी आवाज कितनी गूंज रही होगी। और गाइस, ये कोई मेरी वॉइस ऐसी नहीं है ना, मैंने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की है, बट ये इस मकबरे के अंदर आवाज आ रही है। और चारों तरफ यहाँ पे गंदगी ही गंदगी हो रखी है, साथ ही साथ यहाँ जितनी भी, ये देखिए आप, आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये कब्र है, ये भी यहाँ से देखो टूट रखी है, तोड़ रखी है और जगह जगह यहाँ पे कबूतरों का बसेरा भी बन रखा है। ये एक झरोका और ये झरोका भी रेड जो पत्थर आते हैं धौलपुर के रेड पत्थर, उसी से बनाया गया है। और चारों तरफ इसके बहुत ही बढ़िया नक्काशी कर रखी है पत्थरों पे। और आप देखिए इसकी हाइट होगी जो मकबरे की, कम से कम भी 30 से 40 फीट से भी ऊपर का ये मकबरा है जिसकी हाइट है। और गाइस, देखने में बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ का। अगर आप नानोल के आसपास रहते हैं या नानोल आ रहे हैं तो इस मकबरे को देखना ना भूलें। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी ये देखिए अल्लाह लिख रखा है पत्थरों पे, यहाँ पे भी, और क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है और यहाँ पे विदाउट टिकट आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आराम से आइए, आराम से घूमिए, पूरा मकबरा देखिए, अच्छी अच्छी वीडियो फोटोग्राफी करिए और उसके बाद में आप अपने घर प्रस्थान कीजिए। और गाइस ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो धौलपुर के रेड पत्थर है इनके ऊपर भी कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है, शिल्पकारी कर रखी है। बट गाइस, यहाँ पे साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, पर यहाँ पे क्या पता फ्यूचर के अंदर
अच्छी साफ सफाई हो, इसको साफ सुथरा किया जाए, इसको अच्छे से क्लीन करके, और यहाँ पे एक टिकट काउंटर और सिक्योरिटी भी रखी जाए, ऐसा आगे हो सकता है। तो गाइज आप देख रहे हैं क्या अच्छा व्यू है। सो गाइज अब आपको फ्रंट का कैमरा करके आपको मैं पूरा मकबरा दिखाता हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज हम ऊपर आ चुके हैं इस मकबरे के ऊपर, और गाइज इसकी हाइट बहुत ही ज्यादा है, नीचे देखने में बड़ा डर लगता है। और गाइज ये चौकोर आकार में है और चारों कोनों में आप देख सकते हैं ऐसी एक एक गुम्बद है, और गाइज दो गुम्बदों में नीचे से ऊपर का आने का एक सीढ़ी दे रखी है, रास्ता दे रखा है, और दो गुम्बद है जो जिन पे कुछ नहीं दे रखा, और इसके जस्ट बीचों बीच एक बहुत बड़ी गुम्बद है, और इनमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कलाकारी कर रखी है, बहुत ही अच्छी शिल्पकारी कर रखी है। ये देखिए फूल वगैरह बना रखे हैं इसमें बीचों बीच जो गुंबद है इनमें पेंटिंग करके, और जस्ट इसके अंदर एक देखिए अरबी भाषा में अल्लाह भी लिख रखा है, और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी है, कितने अच्छे अच्छे पिलर हैं, और जस्ट ये देखिए एक और यहाँ पे अल्लाह लिख रखा है, और ये पिलर देखो कितने प्यारे हैं देखने में। और गाइज इसकी कोई टिकट नहीं लगेगी, अगर आप नानो लाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं फ्री में, ये मकबरा देख के जा सकते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और जस्ट इसके देखिए पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद है और एक पीर बाबा की दरगाह भी है, और गाइज यहाँ पे चारों तरफ खंडर ही खंडर हो रखे हैं ये चीजें, और ये देखिए आप इस पे भी कितनी अच्छी अच्छी कलाकारी कर रखी है। और ये देखिए आगे बढ़ते हैं, और इस जो ये मकबरा है इसके चारों तरफ मीनारे भी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये देखिए मीनारे हैं चारों तरफ। और हम जो पहली गुंबद है वहां से निकल के दूसरी गुंबद में आ चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे जाने का रास्ता है, और बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम इसके चारों तरफ ही घूम रहे हैं, इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने पहली गुंबद देखी, दूसरी देखी, अब तीसरी भी देख ली, अब हम आ गए हैं चौथी वाली में। सो गाइज हम चौथी वाली गुंबद में आ चुके हैं, और यहाँ पे भी बहुत ही तरह तरह की कलाकारी कर रखी है शिल्प कलाकारियां, और ये देखिए ये जो पिलर के जस्ट फ्रंट में ये देखिए ये फूल वगैरह बना रखे हैं पत्थरों पे, ये देखिए फूल पत्थर बना रखे हैं, और ये फूल बनाने के बाद यहाँ पे देखिए छोटे छोटे अक्षरों में दो अरबी अक्षरों में अल्लाह लिख रखा है, और ये देखिए क्या व्यू आ रहा है। और गाइस ये सब कुछ आपको फ्री देखने को मिलेगा, अगर नारनोल आते हैं तो आपको ये सब चीजें फ्री में देखने को मिलेगी। सो गाइस हमने ये पूरा मकबरा देख लिया है ऊपर से, और ये देखिए आप पत्थरों की ये रेलिंग टाइप में यानी बना रखी है कि कोई आए तो इस पे नीचे ना गिर पाए। और गाइस एक चीज और यहाँ पे देखिए आप नाले बना रखे हैं छोटे छोटे, जो गंदा पानी यहाँ बारिश का आए तो नीचे चले जाए। सो गाइज हमने चारों तरफ ये जो मकबरा है इसके चारों तरफ घूम लिया है, अब घूमने के बाद में चलेंगे दोबारा नीचे और दिखाएंगे आपको ये मकबरा पूरा। सो गाइज हमने अंदर का व्यू देख लिया, अब बाहर का व्यू देखेंगे, बाहर से ये मकबरा कैसा लगता है और दिखाते हैं आपको पूरा मकबरा और बताते हैं इसके बारे में, बने रहिए मेरे। Thank you.
गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय।